हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे चैनल कपिल्स रसोई में। आज बनाने जा रहे हैं सूजी कटलेट। ये बाहर से बहुत क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट रहता है, तो आप ये मॉनसून के सीजन में जरूर इसे ट्राई कीजिए और मुझे अपना फीडबैक बताइए। तो चलिए अभी रेसिपी शुरू करते हैं। सूजी कटलेट बनाने के लिए हमें चाहिए सूजी, ब्रेड क्रम्स, मैदा, नमक, अदरक, हरी मिर्च, गाजर, कैप्सिकम, स्वीट कॉर्न, फ्रोजन पीस, धनिया पत्ता, प्याज और ऑयल। कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिए हैं। अब इसमें डालेंगे ग्रेटेड अदरक, ये हरी मिर्च, इसे बस कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। फिर इसमें डालेंगे प्याज, इसे भी हल्का फ्राई कर लेंगे। प्याज फ्राई होने के बाद इसमें बाकी सारे सब्जी को डालेंगे, तो ये गाजर, कैप्सिकम, ये स्वीट कॉर्न और ये पीस को डाल देंगे। इसे मिक्स कर लेंगे और इसे एक मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। एक मिनट के बाद इसमें डालेंगे पानी, तो जितना हम सूजी लिए हैं उससे डबल पानी हम डाल देंगे। मिला लेंगे इसे, फिर डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, और इसे ढक के बॉईल होने देंगे। लगभग 2 मिनट के बाद ये देखिए पानी अच्छे से बॉईल हो रहा है, तो इसे हल्का सा मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें डालेंगे ये सूजी, मिक्स कर लेंगे इसे भी, और इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि सूजी सारा पानी सोख ना कर ले। कुछ टाइम के बाद सूजी सारा पानी सोख कर चुका है, तो इसे हल्का सा मिला के इसमें डालेंगे धनिया पत्ता, मिक्स कर लेंगे इसे भी। इसे और थोड़ा पकाएंगे तो जब तक कि ये डो की कंसिस्टेंसी में ना आ जाए। लगभग 2 मिनट के बाद ये जो सूजी है वो थिक हो चुका है, तो अब गैस बंद कर लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। जब तक सूजी ठंडा हो रहा है उसी बीच हम ये मैदे में थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक पतला सा बैटर बना लेंगे। ये देखिए बैटर हम लोग का तैयार है। डो हम लोग का ठंडा हो चुका है, इसे एक प्लेट पे निकाल लिए हैं। अब हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। फिर इसमें से एक छोटा सा हिस्सा लेंगे, इसे अच्छे से प्रेस कर लेंगे। फिर दोनों हाथों की मदद से इसे कटलेट के शेप में ले आएंगे। इसी तरह से बाकी के बचे डो को भी कटलेट शेप में ले आएंगे।
ये देखिए सारे कटलेट हम लोग के तैयार हैं। अब इसे हम कोट करेंगे। अब ये कटलेट को ये मैदे के बैटर में डिप करेंगे, फिर ये ब्रेड क्रम्स में इसे अच्छे से कोट कर लेंगे। इस तरह से इसे चारों तरफ से कोट कर लेंगे। ये देखिए सेम तरीके से बाकी सारे कटलेट को भी कोट कर लेंगे। ये देखिए सारे कटलेट फ्राई करने के लिए तैयार है। ऑयल गरम हो चुका है, अब एक एक करके ये कटलेट को डाल देंगे और इसे मीडियम फ्लेम में 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। लगभग 5 मिनट के बाद ये कटलेट हम लोग के फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए तो इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से बाकी के बचे कटलेट को भी फ्राई कर लेंगे और इसे सर्व करेंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके अपना फीडबैक बताइए।